लीनियर इम्पल्स देखी है। लीनियर इम्पल्स क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से। लीनियर इम्पल्स ये सब फोर्स की डेफिनेशन से आया है, कोई मैं नया लॉ नहीं बताता हूँ बेटा। बताया आपको लॉ न्यूटन बना गया, उसके अलावा कोई लॉ नहीं बताते हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स में एफ इक्वल्स टू एम ई लास्ट लॉ रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई लॉ न्यूटन की फिजिक्स में या न्यूटन की मैकेनिक्स में हम नहीं बनाएंगे। एक कोलिजन में और आएगा, अभी एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो एक दूसरा लॉ शायद वही होगा। ये दो ही लॉ ध्यान है मुझे, और कोई लॉ तो ऐसा आता नहीं, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कई लॉ बोल देते हैं, बट वो लॉ थोड़ी नहीं है बेटा, तो सीधा सा डिराइव्ड है, वो कोई लॉ थोड़ी नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको प्रिंसिपल बोलना ज़्यादा सही है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर इम्पल्स भी जस्ट डेफिनेशन है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपका इम्पल्स की फॉर्म में फोर्स को देखना थोड़ा बेनिफिशियल रहता है। जैसे मान लीजिए वही सेकेंड लॉ यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये सबसे पहला लॉ है बेटा, फिर एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर इससे निकल जाता है, क्योंकि आप पी वेक्टर को एम वी वेक्टर लिखते हैं तो एम आपका बाहर आ जाता है, तो एम डी वी वेक्टर बाई डी टी एम ए वेक्टर बोल देते हैं। बट उससे भी बेसिक ये है, सेकेंड लॉ ओरिजिनल फॉर्म में इस तरह का है, वहाँ पर वैसे ही पढ़ाया था आपको क्योंकि आप मोमेंटम नहीं पढ़ते थे वहाँ पर, बट ओरिजिनल फॉर्म हम डिराइव कर चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस किसके बराबर होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होते हैं। तो किसी पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स एफ वेक्टर लगेगा तो दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म चेंज कर रहा हूँ बेटा इसकी, बस मैं कुछ नया कुछ भी डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बस को देखने का नजरिया बदल रहा हूँ थोड़ा सा आपका, किस सिचुएशन के लिए बदल रहा हूँ, क्यों बदल रहा हूँ वो भी अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। बट मैं इसका जस्ट अभी नजरिया बदल रहा हूँ आप लोगों का देखने का, अभी ब्लर्ड हो गया कैमरा थोड़ा सा। चलो देखो, आप एफ वेक्टर इक्वल्स टू डी पी वैक्टर बाई डी टी, तो आपका एफ वेक्टर इंटू डी टी क्या लिख दोगे आप, डी पी वैक्टर लिख दोगे, एफ वेक्टर डी टी इक्वल्स टू डी पी वैक्टर, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी वैक्टर, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एफ वैक्टर डी टी इक्वल टू पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर, एक ये इक्वेशन बन जाएगी। कुछ भी नहीं किया है बेटा, कुछ नया नहीं है, आप पहले भी जानते थे अब भी जानते हैं, मैंने कुछ नया इसमें नहीं किया है, ठीक है। तो जबरदस्ती फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे उससे ही निकालना है, वहां पर मैं चीजें देख ही लेता हूँ, एम डी वी वैक्टर बाई डी टी लिख के ए वैक्टर आ जाता है, ए वैक्टर से वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। बट वो सब तब होता है बेटा जब आपको इसका वेरिएशन विद टाइम क्लियर होता है, ठीक है ना। अगर आपको इसका वेरिएशन विद टाइम क्लियर ही नहीं है तो फिर आप वैसे कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, तो आप इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तीनों जो आपने पढ़ी है, ठीक है। या आपको देता है एफ वेक्टर 2t² + 3t, ऐसा कोई एग्जैक्ट फंक्शन पता हो तो आप इससे फटाफट सब चीजें निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर आपके पास एफ वेक्टर एक्सप्रेशन दे रखा है 3t² + 2t मान लो, तो आपको जरूरत नहीं है इस एनालिसिस में जाने की, क्योंकि आप सब चीजें वैसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, आप इसको डी वी वैक्टर बाई डी टी लिख देते हैं इस तरीके से 3t² + 2t, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हर टाइम पर वेलोसिटी आ जाती, और जब वी वैक्टर आपका आ जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते थे। तो आपको सब कर तो चुके हैं, फिर इसमें क्या हो गया ऐसा, फिर मुझे इस फॉर्म में लिखने में क्या मजा आ रहा है, मैं कोई फालतू में तो लिख नहीं रहा हूँगा बेटा, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। कि बहुत सी सिचुएशन में आपको इस तरह के फोर्स का टाइम के साथ कांस्टेंट है या किस तरह बदल रहा है ये पता ही नहीं होता है। कैसे, जब आप बैट से बॉल को मारोगे तो इतना लार्ज फोर्स लग के एकदम से खत्म हो जाता है बेटा, पता भी नहीं पड़ता, समझ रहे हैं आप इस चीज को। जब आपने बॉल को बैट से हिट किया है तो फोर्स का टाइम के साथ वेरिएशन आपको क्लियर ही नहीं है, किस तरीके से वेरी करा है फोर्स टाइम के साथ कुछ नहीं पता है आपको, तो फिर आप कैसे देखोगे फाइनल रिजल्ट, वहां पर ये चीज काम में आती है, ठीक है।
अब कितने भी टाइम में कैसा भी वेरिएशन हुआ हो, तो यहाँ तक रिलेशन उस वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है बेटा। ये तो लॉ है ना, ये थोड़ी नहीं फेल हो सकता। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, जिससे आपने एफ इक्वल्स टू एम ए निकाला। तो इसी से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक रिलेशन तो वैलिड है। अब ये कैसा वेरिएशन है मुझे मतलब ही नहीं जी, कि बॉल ने, बॉल पर जब बैट ने फोर्स लगाया, ठीक है, क्योंकि तो मैं क्या देख लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी मैं बॉल की देख सकता हूँ और फाइनल वेलोसिटी देख सकता हूँ, बस बात खत्म। मेरे पास आ गया पी फाइनल और पी इनिशियल, ठीक है। बट इससे मैं इस फोर्स की, पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर से मैं इस फोर्स की डायरेक्शन भी देख सकता हूँ, किस डायरेक्शन में लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया फोर्स, जिस डायरेक्शन में इन ये वैक्टर समा रहा है। पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर जिस डायरेक्शन में आ रहा है, उस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा है, ठीक है। तो फिर इस टर्म को लोगों ने एक अलग से नाम दे दिया है बेटा, बस इस टर्म को, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डीटी, ठीक है ना। इस टर्म को क्या लगा दिया है, इस टर्म को नाम दे दिया है लिनियर इम्पल्स। क्या बोल देते हैं, एंगुलर इम्पल्स भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है लिनियर इम्पल्स। तो लिनियर इम्पल्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल किसके बराबर होता है, पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर। अब इसके लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है इस डेफिनेशन के लिए, या इसको लिनियर इम्पल्स बोलने के लिए, कि लार्ज फोर्स लगना चाहिए इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वो लग रहा है तो ठीक है बेटा। बट ये तो बहुत जनरलाइज है ना, ये आप रिलेशन को इस पे डिपेंड थोड़ी नहीं करता है कि फोर्स छोटे कम टाइम के लिए लगना चाहिए और लार्ज फोर्स लगना चाहिए, बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है इम्पल्स को लेके, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डीटी तो किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। और कई बार फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स आपका टाइम के साथ वेरिएशन दे दे, ठीक है, तो फिर वो लार्ज फोर्स नहीं लग रहा होगा, उसे पता है टाइम के साथ वेरिएशन, और आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछ ले, तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं प्लॉट का, बताइए मुझे। आप डायरेक्टली उस प्लॉट का एरिया लिख के चेंज इन मोमेंटम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। आपको जैसे एक क्वेश्चन दूंगा मैं, तो इसका आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। फिर ये मत सोचिए कि लार्ज फोर्स लग रहा है, लार्ज फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लार्ज फोर्स अगर लगता है तो वहां पर एफ वेक्टर लिखने की जगह हम एक लिनियर इम्पल्स, इस तरह की टर्म लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज हमें क्लियरली दिखती है। और इस चीज को फिर एक नाम दे दिया लिनियर इम्पल्स, तो सिंबल इसका रहेगा जे वेक्टर, ये सिंबल होगा, ठीक है। तो अब आप इस टर्म का मतलब याद रखिए, अगर आप आर्टिकल का लिनियर इम्पल्स पूछा है तो क्या होगा, पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर, ठीक है। जिस इंटरवल में आपसे पूछा कि लिनियर इम्पल्स बताइए, तो क्या है, पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर, ठीक है। जनरली यूज इसका तब होगा जब आपका फोर्स क्या होगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड लार्ज फोर्स, तब सिचुएशन देखने में आपकी ये हेल्प करेगा, कैसे करेगा वो अभी देखेंगे हम, ठीक है, बट ये हेल्प जरूर करेगा आपकी। तो एक तो इसमें प्लॉट वाला क्वेश्चन आएगा, वो सब आप लोग कर लेंगे, कि आपको एफ वेक्टर और टाइम का प्लॉट दे दिया, वो आप देख लीजिएगा नोट्स में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस तरह का कुछ प्लॉट बना हुआ है। तो आप इसका एरिया बाउंडेड बाई एफ टी प्लॉट क्या दे देगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आपका एरिया बाउंडेड एफ टी प्लॉट किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको आप गलती नहीं करेंगे, इसमें एरिया बाउंडेड बाई एफ टी प्लॉट, अभी एक ही डायरेक्शन में तीनों का, एफ एक्स वाई जेड, तीनों का वेरिएशन एक प्लॉट से नहीं दिखा सकते। तो एरिया बाउंडेड बाई एफ टी प्लॉट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो कहीं पे इस चेंज इन मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं, अगर आपको बोल दे इतना इम्पल्स लग गया, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको, इम्पल्स का मीनिंग क्लियर है, बोला एक बैट, बॉल ने बैट पर इतना इम्पल्स लगाया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, इतना इम्पल्स लगाया, ठीक है, और आपको इनिशियल मोमेंटम दे रखा है बॉल का, और पूछ रहा है फाइनल मोमेंटम कितना है, तो सिंपल आप वेक्टर एडिशन से निकाल देंगे, या आपको बोल रहे कि फाइनल मोमेंटम इतना, इनिशियल मोमेंटम इतना बॉल पे, तो बताइए इम्पल्स कितना लगाया बैट ने, या बॉल ने बैट पर कितना इम्पल्स लगाया, तो आप तो बॉल पर निकाल लीजिए इम्पल्स, वही एक्शन रिएक्शन, जितना इम्पल्स बॉल ने बैट पर लगाया, बैट भी बॉल पर उतना ही इम्पल्स अप्लाई करे, ठीक है ना। अब तीन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बेटा, इम्पल्स की बिल्कुल क्लासिक प्रॉब्लम्स है वो तीनों,
ठीक है, तो आपको उससे समझ में आएगा किस तरह से इस इंपल्स को हम और भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक्शन रिएक्शन में ज्यादा यूज होगा। जैसे आपको एक का पता पड़ गया कि बॉल पर इतना इंपल्स लगा, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि बॉल ने भी बैट पर इतना ही फोर्स लगा है। बल्कि आपको कुछ नहीं पता फोर्स टाइम के साथ कैसे वेरी करा, बट ये आपको पता है इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डीटी, जिसको आपने क्या नाम दिया है, इम्पल्स नाम दिया। तो इससे आप लिख सकते हैं कि एक चीज जैसे कि बॉल पे बैट ने इंपल्स लगाया, तो बॉल ने बैट पर कितना लगाया होगा, बॉल का आपको दोनों पता है, तो आपने वो यहाँ से जे वेक्टर निकाल लिया, जितना बैट ने बॉल पर लगाया उतना ही बॉल बैट पे लगाई। ठीक है, तो बेसिकली इस टर्म का यूज कब है, जबकि वेरी लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अप्लाई होगा। आपके पास ये प्लॉट अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि ये प्लॉट अगर बन गया तो फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत क्या है, फिर तो आप एक्सलरेशन वेलोसिटी पोजिशन सब इंटीग्रेट करके आज तक निकालते हैं, बट ये पता ही नहीं है आपको। केवल ये पता है इनिशियल और फाइनली क्या हुआ, बीच का कुछ आइडिया नहीं। तो वहां पर उस सिचुएशंस में जैसे कि कोलिजन्स आने वाली है, तो कोलिजन्स में पार्टिकल एक दूसरे पर इम्पल्स लगाते हैं, एकदम से टकराती खत्म हो जाता तुरंत। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में फोर्स कैसे लगा उसका टाइम के साथ वेरिएशन जज कर पाए। तो आप देखेंगे वहां पर सारा मैं इसी से कर रहा हूँ कोलिजन की डिग्री। ठीक है, एक बॉल ने जितना दूसरे पे लगाया, दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाएगी, और किसी भी बॉल पर कितना लगा वो उसके मोमेंटम चेंज से लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो ये पहले कैसे आ रही थी वो आपको दिखा, बाद में कैसे गई वो दिखा, बीच में कैसे फोर्सेस लगे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इम्पल्स का यूज करते हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं अपन वन बाई वन। ठीक